तो दोस्तों USBRL परियोजना के तहत भारतीय रेलवे महत्वाकांक्षी कटरा बनिहार रेलवे मार्ग 111 किलोमीटर लंबे रेल लिंक को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा है, जो कटरा को जम्मू और कश्मीर के बनिहाल से जोड़ता है। इस व्यापक रेलवे परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कटरा में USBRL रेल सुरंग T1 का निर्माण है, क्योंकि जब इस सुरंग की खुदाई की जा रही थी तो इसमें पानी का रिसाव होने लगा और काम को बंद करना पड़ा। फिलहाल इस सुरंग में महज 48 मीटर खुदाई का काम बाकी है। USBRL परियोजना की सुरंग T1 मेन बाउंड्री थ्रस्ट से होकर गुजरती है, जो हिमालय क्षेत्र में एक भूवैज्ञानिक संरचना है, जिसमें डोलोमाइट संरचनाएं होती है, जिससे पानी रिसने की प्रवृत्ति होती है और इसी कारण सुरंग बनाने के दौरान काफी खतरा पैदा हो जाता है। 2017 में प्रारंभिक खुदाई के दौरान पानी के प्रवेश के कारण इस कार्य को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि यह परियोजना फिर से शुरू हो चुकी है, जहां इस टनलिंग का काम न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से किया जा रहा था, लेकिन अब वहीं हमारे भारतीय इंजीनियरों ने खुद की टनलिंग IHSB डेवलप की है और इसी टनलिंग के हिसाब से अब आगे का काम पूरा होगा। तो दोस्तों हमारे भारतीय इंजीनियरों के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। इस सुरंग का पूरा होना बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि यह कटरा बनिहाल रेल मार्ग की पहली का अंतिम हिस्सा है। रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित श्रीनगर को देश के अन्य हिस्सों के साथ सीधा जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस गति से टनल T1 की खुदाई चल रही है, उससे पता चलता है कि यह दिसंबर से पहले ही पूरा हो सकता है। और साथ ही रेल मंत्रालय का लक्ष्य अगले आम चुनाव से पहले इस मील के पत्थर को हासिल करना है, जिससे कटरा बनिहाल रेल मार्ग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण गति होगी और तब जाकर श्रीनगर से जम्मू और कश्मीर के बीच कोने कोने में भारतीय रेलवे चल पाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, नीचे हमें कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।